मुंबई से भरी उड़ान के बाद बम की धमकी के बाद त्रिवंत्रपुरम में उतरा एयर इंडिया का विमान। सभी यात्री और क्रू फिलहाल सुरक्षित हैं। हवाई अड्डे में परिचालन संबंधी कोई बाधा नहीं है। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई कि किस धमकी आई और मामले की जांच की जा रही है। मुंबई से आ रहे एयर इंडिया के विमान में गुरुवार को बम होने की धमकी मिली थी। इसके बाद त्रिवंत्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूर्ण आपात स्थिति में घोषित कर दी गई। हवाई अड्डे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विमान सुबह करीब 8 बजे हवाई अड्डे पर उतरा। इसमें करीब 135 यात्री सवार थे और विमान को आइसोलेशन बे में रखा गया। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि सुबह 8:44 तक यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। विमान के त्रिवंतपुरम हवाई अड्डे के पास पहुंचने पर पायलट ने बम की धमकी मिलने की जानकारी दी। एयरपोर्ट को सुबह 7:30 मामले के अवगत कराया गया। इसके बाद सुबह 7:36 पर हवाई अड्डे पर पूरी तरह से आपात स्थिति घोषित कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। हवाई अड्डे में परिचालन संबंधी कोई बाधा नहीं है। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई कि धमकी किसने दी और कैसे दी। मामले की जांच की जा रही। इसी बीच एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि 22 अगस्त को मुंबई से त्रिवंतपुरम के लिए उड़ान भरने के दौरान एयर इंडिया की उड़ान AI-657 ने विशेष सुरक्षा अलर्ट पाया। विमान सुरक्षित रूप से त्रिवंतपुरम में उतर चुका है और सुरक्षा एजेंसियां अनिवार्य जांच में जुट चुकी हैं। इस एक दूर स्थान पर पार्क किया गया। सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित तार लिए गए। विमान के त्रिवंतपुरम हवाई अड्डे के पास पहुंचने पर पायलट ने बम की धमकी मिलने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विमान में 135 यात्री फिलहाल सवार हैं। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली कि बम की धमकी किसने दी और कैसे दी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ एयर इंडिया।